हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम की। तो देखिए, साइबर क्राइम क्या होता है, क्योंकि आज के समय में आप अक्सर ही सुनते होंगे, आपका मोबाइल पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर में, सभी जगह पे, कि साइबर क्राइम वर्ड इज ऑफन क्वाइट ऑफन यूज इन दीज डेज। फर्स्ट वी शुड नो, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या होता है, किस तरह की एक्टिविटीज़ को हम साइबर क्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम का मतलब ये होता है कि कोई भी क्राइम, ठीक है, या इसको बड़े इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, साइबर क्राइम का मतलब हो गया कंप्यूटर क्राइम। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी या वो क्राइम जो जिसमें एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क इन्वॉल्व हो, यानी साइबर क्राइम। अगर हम आपसे पूछे क्या है, तो साइबर क्राइम सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्राइम जिसमें कि कंप्यूटर और साथ ही साथ नेटवर्क, इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में, तो दैट टाइप ऑफ क्राइम इज कॉल्ड साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक रेडिंग बैंक अकाउंट्स, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनीज, स्टीलिंग द पर्सनल डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सारी चीजें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है, कि जैसे आप किसी के बैंक अकाउंट को आप रेड कर रहे हो, आप छापा डाल रहे हो, आप वहां से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन आप चुरा रहे हो, किसी इंडिविजुअल के पर्सनल उससे जो है आप डेटा इंफॉर्मेशन स्टील कर रहे हो, चुरा रहे हो, तो ये सारी चीजें साइबर क्राइम में आती हैं। द कंप्यूटर मे हैव बीन यूज इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम और इट विल बी अ टारगेट। तो अब इसमें जो कंप्यूटर होता है, जो हमने कहा ना कंप्यूटर जरूरी होता है, अब ये कंप्यूटर दोनों एंड पे यूज सकता है। हो सकता है जिसने क्राइम किया हो उसने कंप्यूटर का यूज किया हो, उसके मदद से उसने क्राइम किया हो, या जो क्राइम हुआ है वो कंप्यूटर पे हुआ है तो टारगेट वो कंप्यूटर बना हो। दोनों पॉसिबिलिटी है कि क्राइम कंप्यूटर की मदद से हुआ हो या क्राइम कंप्यूटर पे किया गया हो। ठीक, तो कंप्यूटर में भी ए टारगेट ऑफ साइबर क्राइम और कंप्यूटर में भी ए टूल ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम्स आर ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल विद ए क्रिमिनल मोटिव टू इंटेंसली हार्म द रेपुटेशन ऑफ द विक्टिम और कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म और लॉस टू द विक्टिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो आप ध्यान रख सकते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम सिंपली वो ऑफेंस है, वो क्राइम है, ठीक है, जो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया गया हो या किसी ग्रुप के अगेंस्ट किया गया हो, और क्यों किया गया हो, उसको हार्म पहुंचाने के लिए, चाहे उसको फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे सोशली, चाहे डायरेक्टली, चाहे इनडायरेक्टली, किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी साइबर क्राइम किया जाता है, ठीक है, उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूर होता है। और नॉट ओनली कंप्यूटर, इसमें डिफरेंट जो आपके कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, जैसे मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हो गए, इंटरनेट चैट रूम हो गया, ईमेल हो गया, एसएमएस हो गया, एमएमएस हो गया, नोटिस बोर्ड्स एंड ग्रुप्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, ठीक है, ये सारे जो है, इन सारों की मदद से कोई भी क्राइम किया जा सकता है, एंड दैट इज नोन एज साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम बहुत ही सीरियस चीज है, ये इतनी सीरियस चीज है कि इट मे थ्रेटन ए नेशन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा को और उसकी आर्थिक स्थिति को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है साइबर क्राइम के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इश्यू सराउंडिंग दिस टाइप ऑफ क्राइम्स हैव बिकम हाई प्रोफाइल, पर्टिकुलरली दोज सराउंडिंग हैकिंग, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड ग्रूमिंग। तो अब ये जो साइबर क्राइम होते हैं, इसमें कौन कौन से इशू आते हैं, इसमें आते हैं हमारा जैसे हैकिंग हो गया, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया और चाइल्ड ग्रूमिंग हो गया।
देयर आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइवेसी व्हेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज इंटरसेप्टेड और डिस्क्लोज्ड लॉफुली और अदरवाइज एक्टिवली क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर एंड इन्वॉल्विंग द इंटरेस्ट ऑफ एटलीस्ट वन नेशन स्टेट इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज साइबर वॉरफेयर। तो अब साइबर क्राइम का ही एक कह दीजिए कि एक रूप है साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि साइबर वॉरफेयर इसका मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति या एनी इंडिविजुअल इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है इन्वॉल्विंग द इंटरेस्ट ऑफ एटलीस्ट वन नेशन स्टेट, मतलब किसी एक कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जब कोई इंडिविजुअल या जब कोई एक्टिविटी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके की जाती है तो फिर दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड साइबर वॉरफेयर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ऑल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की, साइबर क्राइम कितने तरह के होते हैं, तो उसको फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, तो देखिए साइबर क्राइम जो है वैसे तो इट इंक्लूड्स ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब काफी सारी चीजें आती हैं, काफी वास्ट रेंज है इसका, वाइड रेंज है, लेकिन तब भी हम इनको मोटा मोटा चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इनको समझना आसान रहेगा। पहला तो हो गया आपका क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, पहला हमने लिखा क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। ठीक है, दूसरा हो गया आपका क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तीसरा हो गया क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट हो गया चौथा आपका क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। तो जो भी साइबर क्राइम होते हैं उनको हमने ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया है चार कैटेगरीज में। क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल मतलब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट क्राइम किया गया हो, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया गया हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी कंपनी, किसी ऑफिस, किसी ग्रुप के अगेंस्ट किया गया हो, और सोसाइटी मतलब समाज के अगेंस्ट किया गया हो। तो ये चार तरह के साइबर क्राइम होते हैं। अब इसमें देखिए जो पहला है हमारा क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, इसमें क्या आता है, इसमें जैसे ईमेल स्पूफिंग आता है, ईमेल स्पूफिंग, ठीक है, ईमेल स्पूफिंग का मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ ईमेल मैसेजेस बाय इम्परसोनेटिंग करस्पॉन्डेंट। ठीक है, मतलब अगर हम ईमेल स्पूफिंग करते हैं तो ये आपका आता है क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल में। ठीक है, अब ईमेल स्पूफिंग में हम क्या करते हैं कि इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ ईमेल मैसेजेस बाय इम्परसोनेटिंग करस्पॉन्डेंट, मतलब क्या हुआ कि ईमेल स्पैमिंग, स्पैम इज अ मैसेज ऑल्सो कॉल्ड एज जंक मेल सेंट विद अ वेब लिंक और बिजनेस प्रपोजल क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। ठीक है, किसी बिजनेस प्रपोजल के साथ आपने कहा कि साहब आपको ये पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं हम, और इसमें ये इतना फायदा है आपको, ये डिस्काउंट है, ये है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस लिंक, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसा कि आज के समय में बहुत लगभग डेली आपको इस तरह की मेलें मिलती होंगी, मैसेज मिलते होंगे, तो इसी को बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। कि ईमेल स्पैमिंग, स्पैम इज अ मैसेज ऑल्सो कॉल्ड जंक मेल सेंड विद अ वेब लिंक और बिजनेस प्रपोजल क्लिकिंग ऑन दिस लिंक और रिप्लाइंग टू कॉमर्शियल ऑफर सेंड टू ए फिशिंग वेबसाइट और सेट अप ए माल वेयर इन योर ओन वर्क स्टेशन द सेंडर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक ईमेल आर ऑलवेज अनआइडेंटिफाइड। तो इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग कि किसी को आप जो है गलत सलत आप मेल कर दे रहे हैं बिजनेस प्रपोजल के साथ में या किसी और अच्छे
अच्छे ऑफर के साथ में, ठीक है, और वो उस ऑफर के लिए या उस ऑफर को समझने के लिए या उसको ज्वाइन करने के लिए वो व्यक्ति वो लिंक क्लिक कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। सेकेंड जो है आपका क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें क्या है कि जो हम ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड ऑनलाइन फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है, आर मोस्ट मनी स्पिनिंग ट्रेड्स दोज आर रेजिंग नाउ डेज इन द साइबर स्पेस, इट मे हैव डाइवर्स फ्रॉम सम ऑफ द केसेस ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड एंड चीटिंग दैट आर अनकवर्ड आर दोज रिफर टू क्रेडिट कार्ड ऑफेंसेस, कॉन्ट्रेक्चुअल क्राइम, ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं, जैसे हम ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड को लेके फ्रॉड होता है, ठीक, या इसके अलावा और हमने कहा कि ये एम्प्लॉयमेंट का ऑफर जो आता है गलत सलत या झूठा ऑफर देते हैं ऑनलाइन, ठीक, तो ये सब जो आता है ये आता है सेकेंड कैटेगरी में क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स इन्वॉल्व्स ए लिस्ट ऑफ राइट्स एनी इलीगल एक्ट ड्यू टू विच द ओनर इज डिप्राइव्ड एंटायरली और पार्ट ऑफ हिज ह्यूमन राइट्स। मतलब ये वो क्राइम है जिसमें जो ओनर है, जिसके साथ आपने क्राइम किया है, वो पूरी तरह से या उसका कुछ पार्ट ह्यूमन राइट्स का वो वायलेट होता है। ठीक, इट इज ए क्राइम द वेरी कॉमन फॉर्म आईपीआर अब्यूज मे बी नोन टू बी सॉफ्टवेयर पायरेसी, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क वायलेशन, थेफ्ट ऑफ ए कंप्यूटर सोर्स कोड। ठीक है, तो इस तरह की जो क्राइम में आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क वायलेशन आता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी या किसी भी ऑफिस के अगेंस्ट किसी इंडिविजुअल ने या कुछ लोगों ने अनऑथराइज एक्सेस कर लिया उसके कंप्यूटर को, उस कंपनीज के कंप्यूटर को या सर्वर को या कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स को बिना ऑथराइज एसेसन के या ऑथराइजेशन राइट के उन्होंने एक्सेस कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आईटी एक्ट 2000 जो है ऑफ इंडिया इज मच वाइडर देन हैकिंग, इसीलिए आईटी एक्ट जो 2000 बनाया गया इंडिया का वो हैकिंग से ज़्यादा चीज़ें कवर करता है। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी में, तो ये उस तरह का क्राइम है जो हमारे सोशल वैल्यूज़ को, जो हमारे सोशल रूल एंड रेगुलेशन को, सामाजिक परंपराओं को, ठीक है, समाज के लिए जो चीज़ें नुकसानदेह हैं वो एक्टिविटीज़ अगर आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। सो साइबर क्राइम क्या होता है, इसको ब्रॉडली हम कैसे चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसमें आगे आने वाले वीडियोज़ में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, हैकिंग क्या होती है, ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे साइबर स्पेस एंड क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।